Hi to all, welcome to MPPSC All and and this is the part 4 of Vedic literature. And this whole topic is covered from Punam Dalal Dehiya Mam book. And uh, so uh, winter mode is on. Everybody is enjoying the winter. And everybody is uh, waiting for the Deepavali season. So let's begin our today's day with the this series. So the content of today's lecture is today we dis uh, we discuss about vedanta vedanga and purans okay then two topics will be left that is epics and dharmashastra okay so then in the next video we covered that topics then social life of Rig Vedic period we discuss and economy and all so come to the today's lecture so what is vedanta वॉट यू सिग्निफाइज फ्रॉम द वर्ड वेदंता सो द वेदंता मीन्स इज एंड ऑफ द वेदास इसके नाम में समझ में आ रहा है वेद anta अंत मतलब अंत किसी चीज का तो यहाँ पर इसी चीज को अगर हम समझे तो इसी के नाम से ही हमको समझ में आ रहा है इसका मतलब है एंड ऑफ द वेदास दे रिवील द फाइनल एम ऑफ द वेदास जैसे हम जानते हैं कि किसी भी मूवी की अगर एंडिंग होती है तो वहां पे फाइनल कंक्लूजन दे दिया जाता है तो यहां पर भी अगर हम वेदों की बात करें और वेदंता के बारे में डिस्कस करें तो यहां पर उनका जो फाइनल मकसद है फाइनल जो एम है वेदास का वो यहां पर रिवील का नाउ इट कंडर्म सेक्रीफाइसेज एंड सेरेमनीज एंड दिन द लास्ट फेज ऑफ द वेदास यहां पे सेक्रीफाइसेस और सेरेमनीज की बात की जाती है और ये लास्ट फेज है हमारे वेदंता का वेदंता का एक जो एक, एक नाम है वो है अद्वेदा वेदंता पिक्चर के मैंने साइड में आपको मेंशन किया हुआ है कि एक टाइप है यहां पर अद्विन अद्वैता, अद्वेता वेदंता ओके ना कम टू द पॉइंट वेदंगा वेद अंगा मतलब अंग मतलब क्या हो रहे हैं पार्ट्स ऑफ आर बॉडी ऐसा समझते हैं अंग तो यहाँ पे जो वेद के जो अंग हैं जो लिम्स हैं वो यहाँ पर इसका मतलब है इसके नाम से ही आपको किसी भी चीज़ का अगर मतलब समझना है यहाँ पे तो बहुत ईजिली आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है वेद प्लस अंग अंगा मतलब अंग ऑफ द वेदास अंग मतलब यहाँ पर लिम्स तो इट मीन्स लिम्स ऑफ द वेदास दे आर सप्लीमेंट्री टेस्ट ये क्या है एक सप्लीमेंट्री टेस्ट है और एड इन द प्रॉपर रिसाइटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास ये सप्लीमेंट्री टेस्ट तो है और यहाँ पर एक प्रॉपर रिसाइटेशन की बात की जाएगी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदास की बात की जाएगी हाउ एवर डो नॉट क्वालिफाई एज श्रुति ये क्वालिफाइड श्रुति के लिए नहीं है बट यहाँ पर कंसिडर्ड एज ह्यूमन और रिजन क्यों नहीं है ये श्रुति के लिए क्योंकि ये एक ह्यूमन ओरिजिन का फॉर्म बना गया है मतलब ये गॉड के थ्रू रिवील्ड नहीं हुआ है ये किसके थ्रू रिवील्ड हुआ है है्यूमन ओरिजिन ये और रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ शुत्रास ये किसके फॉर्म में है शुत्रास के फॉर्म में नाउ द कम टू द क्वेश्चन दैट इज वॉट इज तो श्रुत्रास इज अ वेरी शॉर्ट कंडेंस्ड स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे कंडेंस्ड फॉर्म में एक स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर यूज टू एक्सप्रेस वेरिड आइडियाज किसी भी आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए हम श्रतराज का यूज कर रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द आर दैट इज सिक्स शत्रास दैट वी डिस्कस इन आर नेक्स्ट स्लाइड दैट इज ये आपको दिख रहा टाइप्स ऑफ सूत्रास यहाँ पे वेदांग के जो सूत्रास फॉर्म में है उनके अगर आप पार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिक्स इस वाले चार्ट में आपको दिख रहा होगा अच्छे से इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका रिकनाइज कंसेशन करने के लिए तो वेदंगा के यहाँ पे सिक्स टाइप्स है श्रोत्रास फॉर्म में ये सारे आई आपको याद करना है कि ये श्रुति नहीं है ये श्रोतरास है पहला है ग्राम ग्रामर ग्रामर को हम हिंदी में क्या पढ़ते हैं व्याकरण फिर है एटोमोलॉजी एटोमोलॉजी का मतलब यहाँ पर जाए तो निर्युक्त देन एस्ट्रोनॉमी इज ज्योतिष रिचुअल इज कल्पा फोनेटिक्स इज शिक्षा मैट्रिक्स इज छंदा ओके नाउ जो इसमें हमने एक पढ़ा कि कल्प सूत्र इसमें से ही एक सूत्रास का पार्ट है कल्प सूत्र दैट इज द रिचुअल यहाँ पे देखिए आप मैं आपको दिखाती हूँ ये आपको दिख रहा है ये वाला कल्पा तो कल्प सूत्र के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं ये आपको कल्प सूत्र दिख रहा है इसके भी क्योंकि टाइप्स होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक माइंड मैप के फॉर्म में दिखाया है तो सूत्र का अगर पहले वाले पाठ के पास जाएँ तो उसका नाम है श्रोता सूत्र क्या नाम है यहाँ पे श्रोता सूत्र इट कंसर्न विद द वैदिक सेक्रीफाइसेस इट रिक्वायर्स थ्री और मोर फायर्स यहाँ पे वैदिक वैदिक सेक्रीफाइसिस सक, के बारे में यहाँ पर कंसर्न किया जाता है और तीन और तीन से ज़्यादा यहाँ पे फायर्स की ज़रूरत पड़ती है देन सूत्र का एक पार्ट है गृह सूत्र गृह सूत्र के हम समझ में आ रहा है गृह मतलब डोमेस्टिक जो हमारे सेक्रीफाइसेस होते हैं उनके बारे में है यहां पर सिर्फ एक फायर की रिक्वायरमेंट होता है और इट ऑल्सो रिचुअल्स रिचुअलिंग टू लाइफ स्टेजेस क्रिशुअलिंग टू क्रिशुअल लाइफ स्टेटस दैट इज संस्कारा सच एज इनिटेशन विवाह एंड अंत्येष्टि अंत्येष्टि इज अंत्यूनरल ठीक है सुनो तब समझते ही होंगे देन धर्म सूत्र धर्म सूत्र के नाम से भी समझ में आ रहा है धर्म से रिलेटेड तो इट रिलेटेड टू द कंसर्न टू द रिचुअल धर्म ओके इसको भी आप पर अच्छे से माइंड मैप को याद कर लीजिए ताकि आपको ये कल्प सूत्र के बारे में आपको पता हो कि कितने तरीके के हो गए शौतः सूत्र गृह सूत्र और धर्मसूत्र थ्री तरीके के हो गए ठीक है तीन तरीके हो गए यहाँ पे तीन टाइप्स हो गए इनके नाउ कम टू द पुरास नाउ पुरांस क्या होते हैं पुरांस एक संस्कृत का वर्ड है इसका मतलब है यहाँ पर एशियंट टाइम्स मतलब ओल्ड ओल्ड जो चीज़ है उसके ये वो है इट ए नरेटिव ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स यहाँ पे जो पूरी यूनिवर्स की एक हिस्ट्री है उसको नरेट किया गया है जैसे क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बनना और खत्म मतलब की कोई भी चीज़ क्रिएट होना और ख़त्म होना डिस्ट्रिक्ट होना देन जिनोलॉजीज ऑफ द किंग देन हीरोज और डेमी गॉड्स देन कॉस्मोलॉजी एंड जोग्राफी नाउ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ हिस्ट्रीज के बारे में हम पुराना में डिस्कस करेंगे नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन दैट इज़ सेम टॉपिक दैट इज पुनास इट रिफ्लेक्ट्स ब्राह्मिनिकल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज एंड ऑल्सो शेड लाइट ऑन द एमरजेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ब्राह्मिनिकल सोशल के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया रिफ्लेक्ट किया गया है रिलीजियस उनकी जो ब्राह्मण है उनके सोशल और रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है और हिंदू जो हमारी सभ्यता है उसका कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है कहाँ से इमरजेंस हुआ है उसके बारे में बताया गया है स हाँ करेंगे चार युग चार युग तो सबको पता ही है कौन कौन से मेन्शन किया हुआ है सत्युग त्रीपर एंड कल काली इस जो चल रहा है कलयुग इसमें फाइव टॉपिक्स कौन से डिस्कस करेंगे सरगा सरगा मतलब यहाँ पर होता है डीज विशन ऑफ द वर्ल्ड प्रति सरगान मानवतारस दैट इज मानव मानव अवतार दैट इज पीरियड ऑफ वेरियस मनुष्य देन वंशा इज जीनोलॉजीज ऑफ गॉड एंड रिशीज देन वंश चरित्र दैट इज टेक्स रिलेटेड टू रॉयल डाइनिसिटी दैट इज बोथ यहाँ पर आ रही है सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी सूर्यवंशी कौन होते हैं जो सूर्य के uh, सू डाइनेसिटी से बिलोंग करते हैं सूर्य के वंशज और चंद्रवंशी इज द फॉर्म ऑफ द चंद्रवंशी चंद्र के वंशज इट कंसीडर टू बी कम्पोस्ड बाय व्यास यहाँ पे माना गया है कि जो पुराण्स हैं उनको कौन किसने कंपोस्ट किया है व्यास जी ने कंपोस्ट किया है व्यास ने एक्सेप्ट फोर युग से मेकअप महायुग मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारे फोर युग हैं वो मिलके क्या बना रहे हैं महायुग बनाते हैं अगर हम थाउजेंड महायुग कर दें सेम तो ये एक कल्प बनाते हैं और एवरी कल्पा हेज़ डिवाइडेड इन टू फोर्टीन मानव तारस ओके okay? तो आपको यही है यहाँ से आप लोग इस चीज को याद कर लीजिएगा कि जो चार युग बनते हैं तो एक महायुग बनता है अगर थाउजेंड महायुग बनते हैं तो कल्प बनता है और हर कल्प के अंदर फोर्टीन मानव तारे हैं जो कि प्रोसाइडेड ऑफ स्पेशल मनु ना यहाँ पे जो एटीन पुराण्स होते हैं हमारे कितने पुराणों से ये बहुत बार पूछा जाता है कि पुरान्स हमारे कितने हैं तो अठारह पुराण है हमारे इनमें से इनके नाम आप देख लीजिए अग्नि ब्रह्मा भागवता ब्रह्मंड गरुड, ब्रह्म ब्रह्म वही लिंगा लिंग पदमा मत्स्य नरद मकंड शिवा स्कंडा वामना, वारा वायु विष्णु ठीक है तो आपको ये सारे एट्टीन पुराण्स के नाम आपको याद होने चाहिए आपसे पूछ ले जाते हैं कि आप इसमें से एलिमिनेट करिए कौन से पुराण है कौन सा नहीं है मतलब एक बार याद हो चाहे ना हो बट एक बार दिमाग में अवीर होना चाहिए कि इस नाम का पुरान है या नहीं है ओके okay, अगर मेजर पुराण्स की बात की जाए तो मेजर पुराण जो हैं हमारे मेजर कौन कौन से हैं अग्नि भागवत भविष्य ब्राह्मा ब्राह्मण्डा ब्राह्मवरिता गरुड़ कुर्मा और लिंगा अगर हम अग्नि में जाएं तो यहां पे जो तो श्लोक है अग्नि पुराण में वो है फिफ्टीन थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है और इस वाली लाइन में हम देख लेते हैं भागवता में है एटीन थाउजेंड और इसमें फोर्टीन थाउजेंड ऐसे मतलब यहाँ पे श्लोकों का कितने श्लोक हैं हर पुराण में वो बताया गया मतास्य, वामना, है मार्कंडेय मत्स्य पदमा शिव स्कंडा वमना वारह वायु विष्णु इसके श्लोक इतने हैं इसमें इतने हैं इसमें इतने हैं ये सब बताया गया है तो अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इसको याद कर सकते हैं नहीं तो मैं तो इसमें क्या करूँगी मैं सिर्फ ये देखूँगी कि टोटल श्लोक कितने हैं तो टोटल श्लोक भी मैंने यहाँ पे बोले गए हैं लिख दिए है आपको टोटल है आपके थ्री नाइन एट ट्रिपल जीरो श्लोक दैट इज थ्री लैख नाइन्टी एट थाउजेंड ओके कितने श्लोक है टोटल ये आपसे पूछ लिया सकता है ये भले ही ना पूछा जाए कि किस पुराण में कितने श्लोक है बट ये जरूर पूछ सकते हैं कि टोटल श्लोक कितने हैं दैट इज थ्री लैख नाइन्टी एट ओके थैंक यू For giving me your time if you found it is worthy to you then please follow me on telegram and insta that is same name that is mpps online tayari and don't forget to subscribe share or give lot of likes to motivate me to do some to do my best for you